चिड़िया से समंदर की शिकस्त। समंदर के किनारे एक दरख्त था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगती तो इसके पर गीले हो जाते और वो लड़खड़ा जाती। इसने समंदर से कहा, अपनी लहर से कह मेरा बच्चा बाहर फेंक दे, मगर समंदर ना माना। चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर अपने गुरूर में गरजा कि ऐ चिड़िया, मैं चाहूं तो सारी दुनिया को गर्क कर दूं, तो तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। चिड़िया ने ये सुना तो बोली, चल फिर खुशक होने को तैयार हो जा। इसके साथ इसने एक घूंट पानी का भरा, फिर दरख्त पर बैठी। यही अमल इसने 7-8 बार दोहराया तो समंदर घबरा कर बोला, पागल हो गई हो क्या, क्यों मुझे खत्म करने लगी हो। मगर चिड़िया अपनी धुन में ये अमल दोहराती रही। अभी सिर्फ 22 या 25 बार ही ये अमल हुआ था तो समंदर ने एक जोर की लहर मारी और चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। दरख्त जो काफी देर से ये अमल देख रहा था समंदर से बोला, ऐ ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को पल भर में गर्क कर सकता है, इस कमजोर सी चिड़िया से डर गया, ये बात समझ नहीं आई। समंदर बोला, तू क्या समझा, मैं जो तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ, एक पल में दुनिया को तबाह कर सकता हूँ, इस चिड़िया से डरूंगा? नहीं, मैं तो इस एक माँ से डरा हूँ, माँ के जज्बे से डरा हूँ। एक माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो मेरी क्या मजाल, जिस तरह वो मुझे पी रही थी मुझे लगा कि वो मुझे रेगिस्तान बना देगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।